शारदा चिटफंड घोटाला मामले में कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के करीबी राजीव कुमार पर अब गिरफ्तारी की तलवार लटकती नजर आ रही है। सीबीआई ने सोमवार को राजीव कुमार को पूछताछ के लिए बुलाया है और पूछताछ के दौरान जवाबों से संतुष्ट नहीं होने पर सीबीआई उनको गिरफ्तार भी कर सकती है। शारदा चिटफंड घोटाला मामले में कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। इसी मामले को लेकर सीबीआई ने कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को सोमवार को पूछताछ के लिए बुलाया है। इस दौरान सीबीआई राजीव कुमार से शारदा चिटफंड घोटाले को लेकर पूछताछ करेगी। पूछताछ के दौरान जवाबों से संतुष्ट नहीं होने पर सीबीआई राजीव कुमार को गिरफ्तार भी कर सकती है। इससे पहले रविवार को सीबीआई ने राजीव कुमार के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया। लुकआउट नोटिस जारी होने के बाद राजीव कुमार अब देश छोड़कर नहीं जा सकते हैं। राजीव कुमार पर शारदा चिटफंड घोटाले की जांच के दौरान सबूतों से छेड़छाड़ का आरोप है। शारदा चिटफंड घोटाला साल 2013 के अप्रैल महीने में सामने आया था। कथित तौर पर यह घोटाला 3000 करोड़ रुपए का है। इस घोटाले में शारदा ग्रुप की कंपनियों पर लोगों से गलत ढंग से पैसे जुटाने का आरोप है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।